तो पीओके में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है इसे शिवसेना कूटनीतिक विजय तो बता रही है, तो वहीं जेडीयू ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। याद वहां के लोग खुलकर सामने आकर अगर बात करते हैं, बोलते हैं, तो पूरे विश्व को पता चलेगा कि वहां मानव अधिकार का उल्लंघन कौन कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान का ये चेहरा जिस तरह से सामने आया है, ये हिंदुस्तान की कूटनीति का विजय है। फिर हमारी विदेश मंत्रालय हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, ये विजय है। एक तरह से एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि वहां के लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पे उतर आए हैं। इसलिए मुझे लगता है हिंदुस्तान की सरकार ने वहां के लोगों को पूरी ताकत देना चाहिए। इसमें कोई संशय है या संदेह है कि पाकिस्तान का सीधा सीधा रिश्ता आतंकवाद से है, और वो आतंकवाद भारत के खिलाफ उसका रुख है? तो हमको ये बात मालूम है, पाकिस्तान को ये बात मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन से ऐसे कदम उठाएं जिसमें उन आतंकवादी कैंपों के लिए मुश्किल हो जाए हमारे ऊपर प्रहार करना। एक शुरुआत जरूर हुई है, उसके साथ साथ कूटनीति की जरूरत है, और उसके साथ साथ वो हर कदम की जरूरत है जिससे ये आतंकवाद पर रोक लग सके। और वहीं एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान की संसद में जब नवाज शरीफ कश्मीर राग अलाप रहे थे, बुरहान वानी को अपना हीरो बता रहे थे, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारत उनकी मंशा को बेनकाब कर रहा था, नवाज शरीफ को करारा जवाब दे रहा था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद अब यूएन में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने यह दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। अकबरुद्दीन ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को परोक्ष रूप से समर्थन करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश और समाज के सामने सबसे बड़े खतरों में शुमार आतंकवाद की चुनौती से निपटने में नाकामी हमारे संगठन की प्रासंगिकता पर सवालिया निशान खड़े करती है। और वहीं कश्मीर को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यह भी कहा कि पड़ोसी देश का नजरिया बीते जमाने की बात हो चुकी है और अब इस पर किसी तरह का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। Our response to Pakistan is consistent. Abandon your futile quest. The state of Jammu and Kashmir is an integral part of India and will remain so. No amount of misuse of international platforms by Pakistan will change that reality. The sell-by date of Pakistan's anachronistic approach is long over. तो भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान तो बौखला गया है। पाकिस्तान संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाकर अब इस पर बहस भी की गई। नवाज शरीफ ने इस संयुक्त सत्र के जरिए पाकिस्तान की सॉलिडरिटी दुनिया के सामने दिखाना तो चाहिए, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ है। जहां तहरीके इंसाफ पार्टी ने सत्र का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को सदन में जमकर लताड़ा। घर में घिरे नवाज शरीफ, काम ना आई शरीफ की शराफत, नवाज को अपनों से बचाओ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस वक्त कहीं भी मुंह खोलते हैं तो भारत की बुराई और अपनी सफाई देने के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक के मामले पर भारत को दुनिया भर में समर्थन मिला, तो पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस का बेचारा कार्ड खेलने लगे तो उनकी फजीहत जमकर हुई। नवाज शरीफ ने जहां भी बुरहान वानी को हीरो बताया, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। बुरहान वानी की शहादत कश्मीरियों की तहरीक को एक फैसला कुन मोड़ तक ले आई है। मासूम लोगों के सीने छलनी करने, उनके चेहरे मस्क करने और उन्हें अंधा करने से इस तहरीक का रास्ता नहीं रोका जा सकता। ये हकीकत दीवार पर लिखी नजर आ रही है कि भारत कश्मीरियों को उस हक से महरूम नहीं रख सकता जिसका वादा उसने सारी दुनिया से कर रखा है और जिसकी जमानत पूरी आर्मी बरादरी ने दे रखी।
यहाँ नवाज शरीफ को बुरहान वानी कार्ड पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने नवाज शरीफ की पीठ थपथपाने के बजाय उन्हें सार की असफलता याद दिलाई। इंडियन हुकूमत ने भरपूर सिर्फ हमारी बॉर्डर्स पे हमारे लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उस पे सिर्फ हमले नहीं किए, उन लोगों ने डिप्लोमेटिकली हमें अकेला करने की पूरी कोशिश की है, जिसके सामने आपके सामने सार कॉन्फ्रेंस है, उसमें 5 मुल्कों ने बैठ के सार कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। ये चीजें हमें महसूस करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ ने अपनी उपलब्धियां गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये पैंतरा भी नवाज शरीफ पर उल्टा पड़ गया और खुर्शीद शाह ने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि नवाज शरीफ से नहीं हो पाएगा। मियां साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहां से लाएंगे? नेचुरली उम्र के हिसाब से अब हम में वो बात नहीं है जो जोश में बचपन में जोश था, जो मियां साहब 35-30 के होंगे या 40 के होंगे, 55-50 के होंगे, वो जोश था तो आज वो जोश नहीं होगा नेचुरली। मगर हालात कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें जोश भी तासरात भी इस स्पीच को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, ये नेचुरल होती है। ख्वाजा आसिफ बोले ना बोले कुछ, थोड़ी देर उठ के खड़ा होता है, ऐसे जोश में बोलता है तो उसकी बात को उतना बड़ा वजन मिल जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात तो पाकिस्तान मानता ही नहीं, लेकिन उरी अटैक का रोना आज भी खत्म नहीं हुआ। नवाज शरीफ का वो राग यहाँ भी जारी है। उरी का वाकया एन उस वक्त पेश आया जब मैं जनरल असेंबली से खिताब के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो चुका था। मामले की तफसीलात सामने आने और किसी भी तरह की इब्तदाई तहकीक के बगैर, ये बहुत ज़रूरी है जनाब स्पीकर जानना कि किसी भी इब्तदाई तहकीक के बगैर चंद घंटों के अंदर अंदर, बल्कि 6 घंटों के अंदर अंदर भारत ने इस वाकये की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी। इस वाकये की टाइमिंग और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार करार देने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल अजाइम क्या थे। लेकिन विपक्ष के डिप्लोमेटिक फेलियर के हथौड़े के आगे नवाज बेबस नजर आए। तमाम सुपर पावर मिलकर कश्मीर के मसले को हल करवाने के लिए हमें जाना चाहिए दुनिया के पास, हमें अपने डेलीगेशन भेजने चाहिए, मगर कैसे भेजें? हमारे पास तो वजीर खारजा ही नहीं है, 2 वजीर एडवाइजर्स हैं, अब उनमें से सीनियर एडवाइजर कौन है? कभी एपीसी में तारिक फातमी बैठे हैं, यहाँ पे जवाब हमें सरताज अजीज साहब नजर नहीं आ रहे। सरताज अजीज है ना, यहाँ के लिए सरताज अजीज है और दूसरी जगहों के लिए तारिक फातमी साहब है। नवाज शरीफ हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी से लड़ो वाले कॉन्सेप्ट का जवाब जरूर दे रहे थे, लेकिन हाफिज सईद और मसूद अजहर को आतंकी न मानने वाले पाकिस्तान के पीएम की जुबान पर ये शब्द नहीं सजते, न ही उस देश के मुखिया पर जहां रोटी से पहले बंदूक की बात होती है। मैं आज इस ऐवान में एक बार फिर पाकिस्तान का ये पुख्ता मौकफ दोहराना चाहता हूँ कि हम जंग के खिलाफ हैं, हम खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं, हम कश्मीर समेत तमाम मसाइल संजीदा बामकसद और नतीजा खेज मुजाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। भारत में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता को देखते हुए पाकिस्तान ने ये संयुक्त सत्र बुलाया था, लेकिन ये सत्र नवाज की बेइज्जती का मुजाहरा भर रह गया। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो पाकिस्तान में चल रहे इस संयुक्त सत्र से जुड़ी अब कुछ अहम जानकारियां हम आपको बताते हैं। ये जो संयुक्त सत्र है, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश की एकता दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन इसमें हुआ क्या? इस सत्र का बहिष्कार पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी पहले ही कर चुकी है। तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। 29 सितंबर को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इसी के बाद से पाकिस्तान में हलचल भी मची हुई है। 30 सितंबर को पाक ने इस कार्रवाई से इनकार किया। इसके बाद 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल मीडिया को LOC तक ले गया। 3 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। 5 अक्टूबर को यह संयुक्त सत्र हुआ।